amount received from Mr. X ₹10,000 after discount of ₹500. अब यहाँ पे क्या हुआ? कैश इन्वॉल्व है जो कि रियल नेचर है, मिस्टर एक्स है जो कि पर्सनल नेचर है, और अगर हमें पैसे रिसीव हुए हैं तो पैसे रिसीव होने का मतलब क्या हुआ कि हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड है जो कि नॉमिनल है। तो यहाँ पे कैश कम्स इन तो डेबिट, ये गिवन है तो क्रेडिट, ये एक्सपेंस है तो डेबिट। तीनों यूज हो गए, तीनों नेचर यूज हो रही है। जर्नल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिटेड 10,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड, सॉरी कैश 10,000, डिस्काउंट अलाउड 500 टू मिस्टर एक्स 10,500, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, ये 10,000 हो गया, डिस्काउंट अलाउड 500 टू मिस्टर एक्स 10,500। अगर मॉडल अप्रोच से देखें तो यहाँ पे असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पर डेटर्स, डेटर्स का मतलब हो गया असेट्स, असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि वो पेमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं, अमाउंट पेड टू मिस्टर वाई ₹20,000 After discount of ₹800 का discount। अब हमने अगर किसी को pay किया है तो pay करने का मतलब क्या हुआ, हम जब किसी को pay करते हैं तो हमें discount मिलता है, तो हमारे लिए income हो गई, income हो गई ना, तो हम क्या करेंगे, cash account हमारे लिए real हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल हो गया, और मिस्टर वाई पर्सनल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट ये हमारे लिए इनकम है, तो क्रेडिट, और ये रिसीवर है तो डेबिट। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनी, मिस्टर एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हमने कितना कैश पे किया, 20,000, 800 डिस्काउंट यानी कि 20,800 यहाँ आ गया। ठीक है, अगर हम इसको मॉडल अप्रोच से करें तो ये हमारे लिए लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कैश है तो कैश हमारे लिए असेट्स है, कम हो रहा है, और ये इनकम है जो कि इंक्रीज हो रही है। तो ये तो मैंने दो एग्जांपल दिए, ऐसे कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं जहां पर भी एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट होगा वो कंपाउंड एंट्री होगी। जैसे कि एक और एग्जांपल बताती हूँ, मार्च 31 है, मार्च 31 को हमने रेंट पेड 8,000 रुपीस, सैलरीज पेड, दोनों का सेम नेचर है ना, दोनों का सेम नेचर है, दोनों की रेंट
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, दोनों नॉमिनल नेचर की हैं, तो दोनों नॉमिनल नेचर हैं तो हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी हम कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कंपाउंड एंट्री ऐसे अभी आगे चल के हम बहुत सारी करने वाले हैं, सिर्फ यही नहीं है, अभी हम बहुत सारी ऐसे कंपाउंड एंट्रीज करने वाले हैं। जब हम स्पेसिफिक एंट्रीज करते हैं तो उसमें कंपाउंड एंट्रीज ही बहुत सारी तरह की होती हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, फिर मैं आगे की एंट्रीज बताती हूँ। देखो, व्हेन अ डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, बैंकरप्ट हो जाना, दिवालिया निकल गया, मतलब उसका उसके पास पैसे नहीं है अब पे करने के लिए, ठीक है। तो व्हेन अ डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, ये हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, फुल एंड फाइनल डिविडेंड इज रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल रिसीवर से हमें फुल एंड फाइनल डिविडेंड मिला है, ठीक है। यानी कि ये फुल एंड फाइनल डिविडेंड किस फॉर्म में होता है, जैसे कि हमें बोला 60 पैसा न रुपी, 60 पैसा न रुपी मतलब एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, एक रुपए में 100 पैसे हैं, यानी कि 60 पैसा न रुपी मतलब 60% पैसे मिले, 60% मिला है। अगर लिखा है 40 पैसा न रुपी मतलब हमें 40% मिले हैं। तो जितना भी अमाउंट हमें मिला है कैश अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से करेंगे, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, बैंक डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट नॉट रिसीव्ड हुआ, समझे, जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ वो कैश अकाउंट डेबिट, जितना नहीं रिसीव हुआ वो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और टू डेटर अकाउंट जितना अमाउंट ड्यू था। किस लॉजिक से, कैश अकाउंट डेबिट असेट इंक्रीज हो गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, और डेटर्स अकाउंट डेबिट असेट डिक्रीज हो गया। जितना कैश हमें मिल रहा है, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि हमें जितना मिल गया, जो नहीं मिला वो बैड डेब्ट्स हैं, बैड डेब्ट्स का मतलब वो अब कभी भी मिलने वाला नहीं है, कभी भी नहीं मिलेगा। बैड डेब्ट्स का मतलब वो डेब्ट जो बैड बुरे हो गए, अब वो कभी नहीं मिलने वाले हमें, नेवर, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। तो ये बैड डेब्ट्स हमने नॉट रिसीव, और डेटर्स जितना अमाउंट हमें लेना था इतने से हमारे से डिक्लाइन हो गए, समझ में आया। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। फिर अगर इफ बैड डेब्ट्स रिसीव्ड लेटर ऑन, बाद में कभी ऐसा हुआ कि हमारे वो बैड डेब्ट्स हम वापस मिल गए, कभी ऐसा हुआ, मतलब हमने आज बैड डेब्ट सिखा दिए कि मुझे इस बंदे से पैसे दोबारा नहीं मिलने, बाद में कभी ऐसा हुआ कि उस बंदे को दोबारा अपने बेचारे ने बिजनेस शुरू किया होगा, फिर उसे याद आया कि भाई मैंने उसके तो पैसे नहीं दिए थे, वो बड़ा भला आदमी था, वो आ गया हमारे पास कि ले लो साहब मैंने तब आपके पैसे दिए थे अपने, तो ऐसे में क्या होगा, हमें तो लॉटरी लग गई, हमने तो सोचा नहीं था ना कि अब आएंगे, हमने सोचा था, हमने नहीं सोचा था, क्योंकि हमने सोचा नहीं था और वो अचानक हमारे पास आ गए, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
अकाउंट है तो डेबिट होती है। परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, हमेशा डेबिट होती है। बट इन स्पेशल केसेस व्हेन goods are going out, अब goods बाहर जाती हैं तो या तो sales की वजह से बाहर जाएंगी या purchase return की वजह से जाएंगी, ये दो reason होंगे ना। अगर goods हमारे business से बाहर जा रही हैं तो या तो sales है या purchase return है। क्यों sale, क्यों है, तो और क्या reason है? अगर गुड्स जा रहे हैं तो हमने वापस दिया है, तो गुड्स जा रहे हैं ना बाहर। मैं बात ये कर रही हूँ कि बिजनेस फॉर्म से गुड्स बाहर कब जाती हैं, या तो परचेज रिटर्न होती है तब जाती है या सेल्स होती है तब जाती है। ड्रॉइंग्स मानेंगे इसमें? अभी मैं फिलहाल ड्रॉइंग्स की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि इन जनरल दो रीजन से बाहर जाती है ना। ऐसे तो और बहुत सारे रीजन हैं हम जो बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो purchases is always debited. In special cases, when goods are going out, neither by sale nor by purchase return. अगर इन दोनों की वजह से नहीं जा रही, इन दो के अलावा किसी और reason से जा रही है, then purchase account is credited at cost. Purchase account is credited at cost. अब कौन से reason होंगे इन दो के अलावा? इन दो के अलावा reason होंगे goods withdrawn for personal use. अब अगर goods personal use के लिए withdraw कर रहे हैं तो हम क्या इनमें करेंगे? Drawings account debited to purchases account. Drawings account debited to purchases account. तो इस केस में क्या हो रहा है? गुड्स जा तो रही हैं बिजनेस से बाहर, लेकिन ना तो वो सेल्स की वजह से जा रही हैं ना परचेज रिटर्न की वजह से जा रही हैं, तो हमने कहा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल तो हम क्या कहेंगे? या तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, या इसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या हम इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट। इनमें से कोई भी ले सकते हैं टू परचेजेस। बेस्ट हमेशा होता है एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस लेना, लेकिन अगर बाई चांस नहीं टर्म याद आई तो फ्री सैंपल तो यहाँ लिखा ही हुआ है तो वही लिख दो, अगर बाई चांस नहीं याद आई तो। ऐसे ही गुड्स distributed as charity to charity account debit to purchases, ठीक है, या goods
सैलरी के पार्ट में किया है, मैंने वो उनको एज अ सैलरी दिया है। ऐसे नहीं है कि मैं उनको ऐसे दे रही हूँ। अगर मैं उन्हें ऐसे दे रही हूँ तब तो वो एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसे दे दिया तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, लेकिन मैं सैलरी का पार्ट करके दे रही हूँ तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। तो ये सब हमारी वो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो हमारी परचेज अकाउंट की नेचर है डेबिट क्यों है, क्योंकि परचेजेस एक्सपेंस है। इन सब केसेस में हम परचेज को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि परचेजेस हमारी जो एक्सपेंसेस हैं उनकी वैल्यू कम हो रही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी परचेजेस ही हमने कम की हैं, हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, ठीक है। तो हम अपनी परचेजेस को कम शो कर रहे हैं, बट ये ऑफिशियली हो रहा है कि हमने पहले परचेज की, फिर इन सब रीजन की वजह से हमने अपनी परचेजेस को कम कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे वो रीजंस हैं जिनकी वजह से परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है और हमेशा एट कॉस्ट होता है। अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दिए हो तो कॉस्ट प्राइस को ही कंसिडर करना है, सेलिंग प्राइस इग्नोर कर देना है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, ठीक है। समझ में आया? कॉस्ट पे जितने पे खरीदा था, मेरे को समझ नहीं आया। मैं ये कह रही हूँ सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान देना है जितने पे खरीदा था, सेलिंग प्राइस को इग्नोर कर देना है, सेलिंग प्राइस पे कोई ध्यान नहीं देना, जितने पे खरीदा था कॉस्ट प्राइस पे ध्यान देना है। अगर किसी क्वेश्चन में दो वैल्यूज गिवन है, एक कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है, तो हम सेलिंग प्राइस को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे ही फोकस करेंगे। बेटा गुड्स की, गुड्स परचेजेस की बात कर रहे हैं, हम गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। गुड्स की, असेट्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सारे परचेज अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब गुड्स से रिलेटेड हैं। और गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हम डील करते हैं, समझे? गॉट इट? आया तुम्हें? आया रिदम समझ में? चल मोटा करो। पर एक डाउट आया मुझे। जैसे एडवर्टाइजमेंट अगर आपने लिखा है प्री सैंपल्स के केस में, बट यूजुअली एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंस होता है ना, तो एक्सपेंस है तभी तो डेबिट किया बच्चा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तभी तो डेबिट किया है। तो फ्री सैंपल के हेडिंग के अंदर क्यों आया? क्योंकि हम फ्री सैंपल क्यों दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए तो दे रहे हैं, फ्री सैंपल क्यों देते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अच्छा ओके, ऐसे अब देखो आगे की कहानी कैसे चल रही है। अभी हम वही परचेज अकाउंट वाली चीज पे चल रहे हैं। हमारे पास एक होता है लॉस बाय फायर, या थेफ्ट भी हो सकता है, चोरी हो गई, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉस बाय फायर या थेफ्ट जो भी है वो अकाउंट कर देंगे डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, जितने का भी लॉस हुआ है वो हमने पहले डेबिट कर दिया, और क्योंकि हमारा सामान खराब हो गया तो हमने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर आगे की कहानी कैसे आती है, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर वो गुड्स इंश्योर्ड हैं तो ऑन एडमिट ऑफ क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने जितना क्लेम एडमिट कर लिया, जरूरी थोड़ा है
एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारा 40,000 था, यहाँ पे हमारा ये लॉस 40,000 का था। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम 80% क्लेम एक्सेप्ट कर देते हैं, कि हम दे देंगे, बहुत अच्छी बात है, हमारा जितना लॉस हुआ उसमें से 80% क्लेम हमारा एक्सेप्ट हो गया, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी हम डेबिट कर देंगे कितने से 80%, यानी कि 32,000 से, और उतने से हमारा लॉस कम हो गया। हमने सोचा था कि हमारा पूरा 40,000 का लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉस इंक्रीज हुआ था तो डेबिट कर दिया, यहाँ क्या हुआ लॉस डिक्रीज हो गया, और ये हमारी असेट्स इंक्रीज हो गई क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा अब मिलना है, उन्होंने एडमिट कर लिया मतलब इतना पैसा तो वो हमें देंगे, और फिर ऑन रिसेप्ट ऑफ अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी तो हम एंट्री क्या कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जनरली इंश्योरेंस का अमाउंट हमेशा बैंक में ही करते हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सारी सेटलमेंट बैंक के थ्रू ही करती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने जितना क्लेम हमें बोला था वो रिसीव हो गया, जितना क्लेम उन्होंने कहा था वो हमने रिसीव हो गया। तो पहली एंट्री हमने लॉस की पूरी कर दी, बाद में बेटा एक मिनट प्लीज, पहली एंट्री हमने लॉस की कंप्लीट कर दी, सेकेंड एंट्री में जितना क्लेम एडमिट हुआ तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को लॉस बाय फायर कि उतना लॉस हमें कम होगा, और फिर जब हमें लॉस रिसीव हो गया तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, समझ में आई ये बातें, क्लियर हुआ? इसी तरह से डेप्रिसिएशन अगर है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, कोई भी असेट पे, कोई भी जो फिक्स्ड असेट्स होती हैं उन फिक्स्ड असेट्स पे कोई भी डेप्रिसिएशन अगर लगता है तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है डेप्रिसिएशन की वजह से। ठीक है, तो कोई भी असेट अगर डेप्रिशिएट होता है तो हम डेप्रिसिएशन टू असेट कर देते हैं। असेट परचेज करने की एंट्री हमने क्या की थी, हमने की थी जो भी असेट परचेज करेंगे टू बैंक या कैश कर देंगे, और इसमें ध्यान रखना है एनी इंस्टॉलेशन चार्जेस किसी भी तरह के इंस्टॉलेशन चार्जेस हों, किसी भी तरह के इरेक्शन चार्जेस हों, किसी भी तरह का कैरेज, फ्रेट और एनी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो, जो जैसे मान लो हमने एसी खरीदा तो एसी हमने 40,000 का लिया, फिर 5,000 उसके इंस्टॉलेशन में लग गए, फिर उसमें जो रिक्शे में आया वो टेम्पो में आया तो हमने 500 रुपये उसके भी दिए, हमने 500 रुपये लेबर को भी दिए, ऐसे करके हमारे जो सारे खर्चे हुए वो सारे आर डेबिटेड टू असेट अकाउंट, हम उनको अलग से नहीं लिखते, असेट अकाउंट में डाल देते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, ब्रोकरेज,
खरीदा, मैंने 60 लाख का घर खरीदा और उसको रेनोवेशन कराने में, रिपेयर कराने में मैंने 20 लाख रुपये और खर्च कर दिए, तो 60 लाख का घर और 20 लाख और खर्च कर दिए, यानी कि टोटल 80 लाख मेरा उस घर पर खर्च हुए। हाँ, मैं उस घर में रहती हूँ और मैंने उसमें रिपेयर में कुछ खर्चा कर दिया तो वो नहीं आएगा, वो रिपेयर एक्सपेंस हो गया। लेकिन अगर मैंने कोई नया घर खरीदा, मैंने एक नया फर्नीचर लिया, एक अलमीरा खरीदी, 10,000 की अलमीरा खरीदी, उस अलमीरा को मैंने फिर रीपेंट करके उसको ठीक उसमें करने में और 2,000 रुपये खर्च कर दिए, तो मैं क्या कहूँगी, मेरी अलमीरा मुझे 12,000 की पड़ी। तो कोई भी एनी एक्सपेंस ऑन सेकेंड हैंड गुड टू मेक इट इन अ यूजेबल फॉर्म शुड बी डेबिटेड टू असेट अकाउंट। ठीक है ना, ये पॉइंट पे लिख देती हूँ मैं, कहाँ लिखूँ, एनी एक्सपेंस ऑन सेकेंड हैंड असेट टू मेक इट इन यूजेबल फॉर्म, कोई भी सेकेंड हैंड एसेट को अगर हम यूजेबल फॉर्म में करना है तो वो हमारा असेट में ही डेबिट होगा। गॉट इट? तो आज के लिए हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट हो गए हैं, अभी और भी बहुत सारे हैं लेकिन अभी आज हम इतने ही करेंगे क्योंकि इतने ही ट्यूशंस की पहले प्रैक्टिस होगी, उसके बाद ही आगे करने का फायदा होगा। तो पहले आप इतने कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो इसीलिए क्लासेस